गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट लेक्चर में हमने बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में हमने वो चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें केवल हमने इंसेक्ट्स के बारे में जाना था। आज जैसे कि आप प्रोजेक्टर में आप देख ही रहे हो, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम बर्ड्स से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। सो हमारे आस पास देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरोज, पीजन्स, पीकॉक, क्रोज एंड डक्स, है ना। हमारे आस पास अगर आपने देखा हो नेचर में तो अलग अलग वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स हमें दिखती हैं। कुछ बर्ड सीजनल होती हैं, यानी कि हमें ठंड के समय ही दिखती हैं या गर्मी के समय दिखती हैं या बारिश के समय दिखती हैं। तो कुछ बर्ड्स हमें थ्रू आउट द ईयर यानी 12 महीने दिखती हैं। इसमें से लाइक स्पैरोज हो गए, कबूतर हो गए, डक्स हो गए जो कि पानी में रहते हैं, कौवे हो गए, क्रोज हो गए, पीकॉक्स हो गए यानी कि मोर हो गया, जैसे इन डिफरेंट टाइप्स के हमने बर्ड्स देखे। सो इन सारे डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं इनका रहन सहन इनका अलग होता है। ओके, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें क्रो हो गया, मतलब कि कौवा हो गया, पैरट यानी कि जो तोता होता है, आउल यानी कि उल्लू, ये जो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। अब एक और टाइप की और भी अदर टाइप्स के बर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ अलग खासियत होती है उनके रहन सहन। ओके, अभी हम वो डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको वो इमेज दिखा देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, पेंगुइन हो गई, ये ऐसी बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई यानी उड़ नहीं सकती हैं क्योंकि इनका शरीर का वजन बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से। हालांकि ये जिनकी जो गिनती होती है वो बर्ड के फॉर्म में होती है, ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन, ये तीनों बर्ड के फॉर्म में ही इनकी काउंटिंग होती है, बट लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं और इसलिए ये जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। बेसिकली पेंगुइन एक ऐसे इलाके में रहता है जहां बर्फ बहुत होती है, यानी कि 12 महीने वहां पर बर्फ से ढका हुआ रहता है। बेसिकली ये ऐसी पक्षी है। ऑस्ट्रिच जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। ऑस्ट्रिच भी बहुत, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होती है जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते। अब कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनको पानी बहुत पसंद होता है, ये आसपास पानी के आसपास वाले इलाकों में रहती हैं, इनको जो खाना भी मिलता है बेसिकली पानी के जो एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। उसके एग्जांपल हो गए क्रेन, डक्स, फ्लैमिंगो, पेलिकन, ये बर्ड्स हैं जो कि पानी के आसपास है, पानी के आसपास रहती हैं, पानी में रहती हैं। इनको हम वाटर बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बेसिकली ये पानी के आसपास है, पानी में अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है, इस वजह से इनको वाटर बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे हमने इंसेक्ट्स के वेरियस पार्ट्स पढ़े थे, सेम ऐसे ही हम इनके इनके बॉडी भी पढ़ेंगे, बर्ड्स की बॉडी पार्ट्स भी हम पढ़ेंगे। सो ऑल द बर्ड्स हैव टू आईज एंड सी टू सी। ओके, सारे ही बर्ड्स के पास दो आंखें होती हैं जिससे वो देख पाती हैं, एंड बीक टू कैच एंड ईट फूड। बीक यानी कि चोंच, के जो बीक है जिसको हिंदी में चोंच बोलते हैं, इसका मेन जो काम क्या होता है, जो भी इनको खाना खाना होता है इसके थ्रू वो खाते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इनके बर्ड्स के पास कान नहीं होते हैं। ओके, However, they have two spines, tiny spots covered with thin skin which help them to hear. हालांकि दो बहुत ही tiny, बहुत ही छोटे spot पाए गए हैं इनके शरीर में जो कि बहुत ज्यादा पतले होते हैं जिसकी मदद से ये सुन पाते हैं। अब बर्ड जो होती हैं वो अपने लेग्स का इस्तेमाल भी करती हैं ताकि वो पेड़ पर अपनी पकड़ बना सके और चल सके। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, इनके जो कि किस काम होते हैं, उड़ने के काम आते हैं। दे हैव ऑल्सो टेल, हालांकि ये जो टेल बस टेल होती है, पूंछ भी होती है जो कि इनको हेल्प करती है अपनी दिशा बदलने से, इनको कोई डायरेक्शन में मूव करना होता है तो उनकी विंग्स और टेल की मदद से अपने डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। बर्ड हैव बोट शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड व्हाइल फ्लाइंग, इनका जो आकार है इस तरीके से बनाया गया है कि ये नाव की तरह दिखता है ताकि बहुत इजीली हवा में उड़ सके या फॉरवर्ड मूव कर सके। तो इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं बेसिकली ये बर्ड का हेड है, इनकी आईज है, इनकी बीक्स है, बीक्स मतलब मैंने बताया था जो हेल्प करते हैं खाने में,
ओके, ये इनके विंग्स से करके उड़ने हेल्प करते हैं, ये इनके लेग्स हैं, ओके, जस्ट ये वाला पोर्शन इसे हम लेग्स बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, और ये इनके क्लॉ हैं, क्लॉ बेसिकली इनको ग्रिप बनाने के लिए किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। नाउ ये लास्ट पोर्शन है वो इनका टेल है, ये हमने बर्ड्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनके बारे में हमने जाना। अब थोड़ा डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, जो बेसिकली इनके जो विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, इनके बारे में जानेंगे उसके थ्रू, और जो इनके पांव होते हैं, ओके। सबसे पहले हम फेदर्स के बारे में जानेंगे, इनके पंख जो है ना, जो इनके बॉडी से पूरे कवर होते हैं, पंख का भी वो हिस्सा होता है, उनकी बॉडी का भी आपने कुछ देखे होंगे, है ना, जिसको कि हम फेदर्स बोलते हैं ना, जो इनकी बॉडी से पूरा कवर रहता है, ओके। बर्ड फेदर कवर्स बर्ड्स बॉडी एंड कीप इट वार्म, कुछ इस टाइप के फेदर्स होते हैं बेसिकली, जो कि बर्ड की बॉडी में आप देखते होंगे, जो कि हेल्प करते हैं उनकी बॉडी में गर्माहट रखने में, ओके। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेदर ऑन द बर्ड्स बॉडी, ऐसे तीन टाइप के फेदर्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला है बॉडी फेदर, जो कि इनकी पूरी बॉडी को कवर करता है, ओके, और बर्ड को एक तरीके का कर्व्ड शेप मिलता है। फिर होता है डाउन फेदर्स, ऐसे फेदर्स जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लफी होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, और कहीं ना कहीं बर्ड्स की बॉडी को गर्माहट देते हैं, ओके। फिर होता है फ्लाइट फेदर्स, ऐसे फेदर्स ये जो कि पंखों, इनके जो विंग्स हैं, इनके जो पंख हैं उन पे पाए जाते हैं, इसके साथ साथ उनकी टेल एंड की पूंछ में भी ये वाले फ्लाइट फेदर्स पाए जाते हैं। इन फेदर्स की वजह से ही वो उड़ पाते हैं, फ्लाइट फेदर्स की वजह से ही जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ पाते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, ओके। फ्लाइट ऑफ अ बर्ड यानी कि बर्ड जिससे उड़ती कैसे, उसका क्या मैकेनिज्म। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है अपस्ट्रोक, जब वो पंख ऊपर की तरफ लेके जाती है, जब पंख नीचे की तरफ लेके आती है तो हम बोलते हैं डाउन स्ट्रोक, ओके। ये क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। फ्लाइट मसल्स कनेक्ट द विंग्स ऑफ ए बर्ड टू इट्स बॉडी, दिस मसल्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लैप इट्स विंग्स लाइक फ्लाइट फेदर्स। अब आपने कभी बर्ड्स आपने कभी अपने हाथ में ली हो, देखी जब वो अपने पंख फैलाते हैं तो आपने उसके नीचे वाला ऐसा देखो तो वहां पे मसल्स पाई जाती हैं, उन मसल्स के ऊपर ही फ्लाइट फेदर्स लगे हुए होते हैं। यही वो मसल्स इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है जो कि बर्ड्स को फ्लैप करने में, मतलब पंख बार बार मूव करने में हेल्प करते हैं। लाइक फ्लाइट फेदर्स, फ्लाइट मसल्स एनेबल टू बर्ड्स टू सोर हाई एंड लैंड इजी। अब ये फ्लाइट मसल्स, जैसे कि फ्लाइट फेदर्स हेल्पफुल है, वैसे सेम फ्लाइट मसल्स भी हेल्प कहीं ना कहीं करते हैं बर्ड को टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए। अब बर्ड बेसिकली दो टाइप के मूवमेंट्स करती है, एक होता है अपस्ट्रोक और दूसरा होता है डाउनस्ट्रोक। अब अपस्ट्रोक में क्या होता है कि इन दिस मोमेंट द बर्ड फ्लैप्स विंग विद अप एंड डाउन मोशन पुशिंग द एयर डाउनवर्ड्स। अब जब वो इस वाले स्ट्रोक यानी अपस्ट्रोक में जाती है तो वो हवा को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है ना, जब वो बेसिकली जब फ्लाई करती है तो आपने देखा होगा कि विंग्स जो उसके ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इससे क्या होता है ये हवा को काटती है नीचे की तरफ, जिससे कि वो बहुत इजीली उड़ पाए ना। जो ये वाला मोशन होता है बर्ड का बेसिकली ये उनको हेल्प करता है बर्ड को बहुत इजीली फ्लाई करने, क्योंकि जो हवा जो बह रही होती है, जो चल रही होती है ऊपर, सीधी हवा अगर उसको सीधे मारेगी तो उसको उड़ने में हेल्प नुकसान मतलब परेशानी करेगी ना। लाइक जैसे आप बाइक पे भी जाते हो तो आपको जो सामने की जो हवा लगती है वो कभी कभी ना कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा तेज चलती है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बिंग करती है। सेम चीज बर्ड के साथ जब वो उड़ती है सामने की हवा उनको डिस्टर्ब करती है, तो ये जो अपस्ट्रोक मोमेंट की वजह से जो सामने की हवा है उसको नीचे की तरफ धकेल देती है, जिससे कि उनको उड़ने में आसानी होती है। अब डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, इस मोमेंट में बर्ड जो है अपने जो विंग्स होते हैं उनको फैला लेती हैं और उनको नीचे की तरफ ले जाती हैं, ताकि उनको ग्लाइड करने में बहुत आसानी हो। जो कभी आपने देखा होगा बर्ड मूवमेंट्स करते करते जब उड़ते 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 वो अपने पंख बिल्कुल नीचे की तरफ करके रोक लेती है, और जब भी उनको कोई डायरेक्शन बदलना होता है, कुछ ऐसा कर्व लेके कुछ ऐसे करके, तो अपने पंख बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स कर लेती है नीचे की तरफ और उससे वो ग्लाइड करती है। इससे क्या होता है वो हवा में बहुत इजीली ग्लाइड कर पाती है,
ओके सो ये हमने दो स्ट्रोक्स पढ़ लिए ओके सो बच्चों आज आपके लिए इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में होंगे तो हम जो बीक्स होती है उनके बारे में जानेंगे। थोड़ा बड़ा है वो पोर्शन, इसलिए मैं आज के वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी। विंग्स हो गए, फैदर्स हो गए, इनके बारे में आज आप जान लिया, वही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी बीक्स, जो इनकी चोंच होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सब एक हर एक बर्ड्स के अपने अपने, आपने पैरट की चोंच देखी तो उसकी बहुत अलग होती है, आपने एक कबूतर की चोंच देखी तो उसकी बहुत अलग होती है, तो इनकी बनावट ऐसी क्यों है, क्या कारण है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो इनके पांव होते हैं, फीट होते हैं, इनके पांव होते हैं, इनके क्लॉज होते हैं, जिसको कि नीचे का जो मैंने आपको ग्रिपिंग बताया, जिससे कि वो पेड़ पे या अपने शिकार को पकड़ सके, उन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इनके घर, ये कैसे अपने घर बनाते हैं, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, कुछ बर्ड्स क्या होते हैं कि पेड़ पर होल करके उसमें अपना घर बनाते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे बर्ड्स, इनके बारे में जानेंगे। ओके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।